तुलसी रेखा कर्म की मेट सके नहीं राम। मेटन में तो समर्थ है पर समझ कियो है काम। बहुत लोगों के मन में ये शंका होती है कि हम परमात्मा को सुमरण तो बहुत करते हैं फिर भी हमारे जीवन से दुख जाते नहीं। तो दुख नहीं जाने का कारण यह नहीं कि परमात्मा का भजन हमारे दुख घटाता नहीं है, वह हमारे दुख घटाता है पर हमें उसका एहसास नहीं होता। वह स्वयं हमारा सहयोगी बन जाता है, वह हर दुख में परमात्मा हमारे साथ रहता है। तुलसीदास महाराज ने यह पंक्ति बड़ी सुंदर कही, परमात्मा भी कर्मों की रेख मेट नहीं सकते पर एक बड़ा सरल सा सूत्र दिया, वह समर्थ है उसे हटाने में और इसलिए मेटन में तो समर्थ है पर समझ कियो है काम। वह समझदारी क्या, वह समझ क्या, वह स्वयं आ जाता है किनके पास, जो निरंतर परमात्मा के भजन में लगे रहे। एक सुंदर कथा आती है, एक महापुरुष हुए, सारा जीवन उन्होंने परमात्मा के भजन में लगाया, अंतिम अवस्था हुई, शरीर ने 7 दिन छोड़ दिया। अब एक कक्ष में रहें, कुछ सेवक उनकी सेवा करें, जब वह आवाज लगाएं तो सेवक आ जाएं और उनके कार्यों को पूर्ण कर दें। रात्रि के समय जब गुरुजी विश्राम करें, वह अपने शिष्यों को आवाज लगाएं मलमूत्र की निवृत्ति के लिए, तो कभी शिष्य आवाज सुने, कभी सुनकर अनसुना कर दें। एक बार गुरुजी ने आवाज लगाई, शिष्य तो आए नहीं पर स्वयं परमात्मा छोटे बालक का रूप बनाकर प्रकट हो गए और गुरुजी को निवृत्त करा के आए। और निवृत्ति कराने के बाद वह गुरुजी के साथ ही सो गए। 3-4 दिन तक यह नियम चलता रहा। गुरुजी ने मन में विचार किया, पहले शिष्यों को आवाज लगाता था, कभी तो इतना जल्दी सुनते नहीं थे, आज यह शिष्य कौन है? क्योंकि गुरुजी की वृद्धा अवस्था, आंखों में इतना जोर नहीं कि वह पहचान पाए कि यह बालक कौन है। एक दिन भगवान रात्रि के समय आए, गुरुजी के साथ सोए पड़े थे और गुरुजी ने उनका हाथ पकड़ लिया, कहा, मुझे यकीन हो गया है कि आप वह स्वयं परमात्मा हैं, क्योंकि जब से आपने आना प्रारंभ किया है, आपका स्पर्श होते ही मेरे दुख दूर हो जाते हैं। आप सच सच बताइए, आप कौन हैं? गुरुजी की ऐसी विनती पर परमात्मा ने अपना रूप प्रकट कर दिया और जब परमात्मा प्रकट हुए, गुरुजी गदगद हो गए, कहने लगे, हे प्रभु, मेरे लिए आपको इतना कष्ट करना पड़ रहा है, क्या आप अपनी कृपा से मेरे कर्म नहीं काट सकते? कि मेरे प्रारब्ध आपकी कृपा से भी बड़े हैं? तब परमात्मा मुस्कुराते हुए कहने लगे, मेरे भक्त, अपने कर्मों का फल तो हमें भुगतना ही पड़ता है, मेरी कृपा से तुम्हारे प्रारब्ध कर्म अभी तो कट जाएंगे पर अगले जन्म में फिर तुम्हें परेशान होना पड़ेगा। यह कर्म, प्रारब्ध कर्म 3 प्रकार के होते हैं, मंद, तीव्र और तीव्रतम। मेरे प्यारे, मंद प्रारब्ध मेरे नाम जब से कट जाते हैं, तीव्र प्रारब्ध किसी महापुरुष के संग में रहने से कट जाते हैं और तीव्रतम प्रारब्ध
जो मेरे सच्चे भगत होते हैं, मैं उनके साथ रहकर उनके उन कर्मों को काट देता हूं। तुम मेरे प्यारे भगत हो, इसलिए तुम्हारे तीव्रतम प्रारब्ध कर्म को काटने के लिए मैं तुम्हारे पास आ जाता हूं। जब परमात्मा ने ऐसे कहा, वह भक्त गदगद हो गया। कहा, महाराज, मेरा सद्भाग्य है, यह कर्म अब मुझे दुखी नहीं करते, मुझे सुखी करते हैं कि मैंने ऐसे कोई कर्म किए हैं जो आप मेरे साथ हैं। जिस प्रकार कुंती ने कहा, सुख के माथे सल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलहारी वा दुख पे जो पल पल नाम जपाए। मैं इस दुख पर बलहार हूं कि मुझे आपकी याद आती है और आप आ जाते हैं। तो परमात्मा हरदम हमारे साथ है। जो भजन करते हैं, सुमरण करते हैं, उन्हें यह सोचना नहीं चाहिए कि हमारे कर्म कट रहे हैं, हमारे जीवन में दुख क्यों आ रहे हैं। दुख तो हमारे प्रारब्ध के अनुसार है, पर परमात्मा का नाम हमारे अगले जन्म को संवार देगा। परमात्मा की कृपा हमें सब दुखों से मुक्त कर देगी। यह सोचकर निरंतर शुभ कार्य में लगे रहना चाहिए। प्रारब्ध पहले रची, पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। और सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज ने कहा, यह होनी मिटंदी नाही, चाहे जितना भी तुम चाहें। राम लखन सिया बैठे वन में, सब कुछ जानत अपने मन में, ले गई मृग ही पराई, यह होनी मिटंदी नाही। जो होने वाला है वह मिटता नहीं है, पर परमात्मा की कृपा से हमें उस जो होने वाला होता है उसको सहन करने की शक्ति मिल जाती है। यह परमात्मा का भजन हमारे जीवन में ऐसा कमाल करता है। इसलिए निरंतर परमात्मा के सुमरण में लगे रहें, लगे रहें, लगे रहें। बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज की।